पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश, लेकिन इसमें कठिनाइयां बहुत हैं। दूर दराज गांवों में शिक्षा का हाल बदहाल है और कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं टीचर नहीं है तो कहीं पढ़ने वाले छात्र ही नहीं है। अंदाजा लगाइए कि इस हाल में बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज मिलना कितना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी की नायिका पूजा मिश्रा है, जिसने एक गांव की पूरे इलाके में रहने वाले करीब 1000 बच्चों की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। हम आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने कुछ आंख खोल देने वाले आंकड़े रखना चाहते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी कहानी की नायिका पूजा जैसी लड़कियों की समाज को कितनी जरूरत है। कहते हैं जहां चाह वहां राह, तो बस राहें बनती चली गईं और बच्चे जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए और आज 23 बच्चों से शुरू किया था और आज लगभग 1000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, तो और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और हम बुक्स वगैरह सारी बच्चों को फ्री देते हैं। लेकिन पढ़ाई फ्री स्कूलों की तरह नहीं है, पढ़ाई इज़ एज गुड एज एनी अदर प्राइवेट स्कूल, क्योंकि बच्चों को यहाँ से निकल के ऐसा बनाना है ताकि ये बच्चों को अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े और सब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। तो जब भी स्कूल की बात होती है, सबसे पहले दिमाग में ब्लैक बोर्ड की तस्वीर आती है और दूसरी तस्वीर उनके टीचर्स की होती है। इन दोनों तस्वीरों को CAG की एक रिपोर्ट में देखिए। देश के 3680 सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ते हैं। देश के 20% शिक्षक अयोग्य यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लायक ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में 84% शिक्षकों को आपात स्थिति में फास्ट एड जैसी जरूरी बातों का भी ज्ञान नहीं है। 42% सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और अब देखिए वो कहानी जो लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फॉरेन रिटर्न पूजा मिश्रा की कहानी। पूजा मिश्रा ये मानती है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पूजा मिश्रा ने IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। उन्होंने विदेश में जाकर नौकरी की। लेकिन पूजा मिश्रा को वो किक नहीं मिला। एक पॉजिटिव सोच के लिए साल 2012 में पूजा रायबरेली में अपने गांव लौटी। पूजा एक मकसद के लिए आई थी। उन्होंने देखा कि उनके गांव पुरासी में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूजा ने फिर ठान लिया अपने गांव के बच्चों का भविष्य वो संवारेंगी। साल 2012 में 23 बच्चों के साथ पूजा ने शिक्षा का नेक मिशन शुरू किया। बच्चे पूजा के मिशन में जुड़ते चले गए और 4 सालों में छात्रों की गिनती 23 से हजारों में पहुंच गई। बस एक छोटी सी सोच थी कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के बूते पर हूँ, और वही जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरा मन किया कि मैं इनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ दूँ ज़िंदगी में कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी बदल सकें, यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें। तो उसी पर्पस से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं। तो ज़्यादा मैं बोलूँगी कि ये एक चैलेंजिंग टास्क था जो मैंने लिया, और आसान काम करने में तो कोई मज़ा नहीं है, मज़ा उसी में है जो कि थोड़ा मुश्किल हो, जिसको करने में लगे कि हाँ अब कर रहे हैं तो कुछ बदलाव आ रहा है। रायबरेली में हलोर के पुरासी गांव में शिक्षा की हालत बेहद खराब थी। पूजा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। 2012 में गुरुकुल नाम से स्कूल की शुरुआत की। गुरुकुल का एक ही लक्ष्य था, गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से मुफ्त शिक्षा देना। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई और पूजा का मिशन कामयाब होता गया। यहाँ से निकल के बाहर की दुनिया में जा सकें और वहाँ अपने पैरों पे अपनी काबिलियत के बल पे चल सकें। तो उसी पर्पस से हमने ये गुरुकुल की शुरुआत की है जहाँ ये सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे आते हैं और पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये बच्चे यहाँ से निकल के एक काबिल इंसान बने।
गुरुकुल में छात्रों को न सिर्फ बुनियादी शिक्षा दी जाती है बल्कि उन्हें टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। लाइफ की रेस में स्टूडेंट्स को तेज दौड़ना सिखाया जाता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप कब से पढ़ रही हैं स्कूल में? सर, 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। 2 क्लास से पढ़ रही हैं। बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जाता है? यस सर। हाँ? यस सर। अभी आपको स्कॉलरशिप मिली है? यस सर। कितना? सर 10,000। 10,000 किस लिए दिया है आपको? सर गरीब के वजह से दिया है और सर पढ़ाई में अच्छे थे, सर रोज आते थे सर, इसीलिए दिया। अच्छी मिलती है जो कि सर अच्छी समझ में भी आता है और सर लोग अच्छे पढ़ाते हैं। शुरुआत सिर्फ 23 छात्रों से हुई, राह में मुश्किलें भी आई लेकिन पूजा रुकी नहीं, थकी नहीं। पूजा ने नेकी की राह छोड़ी नहीं और आज 1,000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य पूजा के गुरुकुल में सवर रहा है। मेरा फ्यूचर तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो गया तो मेरा फ्यूचर अपने आप ही ब्राइट है। मुझे अब जो अपने लिए अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। मैंने अपना IIM कर लिया, पढ़ाई कर ली, विदेश में नौकरी कर ली, जो मुझे अपने लिए करना था भगवान की कृपा से मैंने वो अपने लिए हासिल कर लिया। अब मुझे ये है कि बच्चों के लिए, यहाँ के लिए, जो समाज के लिए जो मैं कर सकती हूँ वही मेरा फ्यूचर है। विदेश में रहकर स्वदेश को नहीं भूलने वाली पूजा मिश्रा आज एक मिसाल बन गई है। पूजा ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो, इरादे पक्के और नेक हो तो नेकी के रास्ते पर चलते हुए मंजिल पाने से कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। विवेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। तो पूजा मिश्रा जैसी लड़कियां, महिलाएं प्रेरणा है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, देश को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं।